अब मोहल्ले के लोग तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी मिलने से कतराने लगे हैं। मैं भले चाव के साथ मजीद के साई की बेटी की मेहंदी पर गया था, लेकिन किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, पानी तक नहीं पूछा। भेदों की तरह एक कोने पर बड़ा बैठा रहो। ये सारी जिल्लत मेरे मुकद्दर में तुम्हारी वजह से है। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े? मुझे लग रहा है कोई गड़बड़। मजीद चाचा की बेटी की बारात नहीं आई अभी। तुम कहना क्या चाहते? दूर दूर तक बारात आने के कोई आसार नहीं है, तो लग रहा है कि कोई मसला हो गया है। तुम्हें कैसे पता? तुम घर के अंदर बैठी हो, बाहर क्या हो रहा है तुम्हें खबर कैसे हो सकती? अकल नाम की भी कोई चीज होती, जब बारात आती है तो शोर शराबा हंगामा ढोल ताशे बजते। लेकिन गौर करो, वो जो शादी के गाने चल रहे थे ना, वो भी बंद हो गए। वहम होगा तुम्हारा, हो सकता है कि वो बैंड बाजा ना लेके आए, सादगी से शादी करना चाहते। तीफे होने को तो कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है तुम्हें जाके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है वहां। बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा कि मैं वहां जाके देखूं। अच्छा तुम कहते हो तो मैं जाके देखा, तो वैसे मेरा जरा भी दिल नहीं। दिल की छोड़ो, मोहल्ले की इज्जत का मामला है, और इज्जत तो सबकी सांझी होती है ना। अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो। ठीक है, जाके देखता हूं। क्या खबर है बाहर की? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था बानो, मजीद कसाई की बेटी की बारात नहीं आई। वो बेचारी दुल्हन बनी बैठी रही और किसी ने उसके मुकद्दर पर स्याही मल दी। ये क्या कह रहे हो तीफे? तो बड़ी नकचड़ी लड़की, किसकी हिम्मत हुई उसके साथ ये सब करने की? जब तकदीर का वार चलता तो फिर कोई उसके सामने नहीं ठहर सकता। सब एक ही चक्की में पिस जाते हैं।